सुशांत सिंह राजपूत की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले एनसीबी ने रिया से कई घंटों तक पूछताछ की थी। अब उस पूछताछ की डिटेल सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि अपने स्टेटमेंट में रिया ने बॉलीवुड के सेलेब्स का नाम लिया था। बता दें कि एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 67 के तहत दर्ज की गई अपने स्टेटमेंट में रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के बड़े स्टार्स का नाम लिया। ये स्टार सुशांत की पार्टी में आते थे और ड्रग्स लिया करते थे। ये पार्टी लोनावला में हुआ करती थी। बताया जा रहा है कि रिया ने दो बॉलीवुड सेलेब्स के नाम का खुलासा किया जो ज़्यादातर इन पार्टियों में आया करते थे। ये भी बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के बायपोलर होने की बात को दोहराया। रिया ने बताया कि इसी के चलते सुशांत को हिंदुजा हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया था। बाद में उनके ट्रीटमेंट के लिए 5 डॉक्टर बदले गए। रिया ने यूरोप ट्रिप के बारे में भी बताया और बताया कि साल 2016 से 2018 के बीच कैप्री हाइट्स में ड्रग्स लिए जाने लगे थे। रिया की स्टेटमेंट कुल 20 पन्नों की है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद सबकी नज़रें एनसीबी के अगले कदम पर हैं। खबर तो ये भी है कि ड्रग्स केस में महाराष्ट्र के बाहर कुछ जगहों की भी जांच और रेड हो सकती है। एनसीबी ड्रग्स में बड़े रैकेट का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने पहले भी ड्रग्स का ऐसे ही बेचना और शुरू किया था। ड्रग केस में अब ये बात निकल कर आई है कि लॉकडाउन में सुशांत रिया के घर को समय बिताना चाहते थे। सुशांत के घर से रिया के घर एक कोरियर भेजा गया था। सुशांत के घर से दीपेश सावंत ने कोरियर बॉय को दिया था। रिया के घर पर शोविक ने कोरियर बॉय से कोरियर लिया था। उस कोरियर में आधा किलो बड्स था। बड्स वाला कोरियर पकड़ा ना जाए इसलिए उस कोरियर के पैकेट में कुछ घर का सामान भी पैक किया गया था। बता दें कि ये कोरियर अप्रैल के बीच में भेजा गया था। अब एनसीबी इसे लेकर भी जांच कर रही है कि क्या इस बड के कोरियर के जरिए सप्लाई के बाद ही सुशांत रिया के घर पर गया था। खबर तो ये भी है कि बॉलीवुड के 15 सेलिब्रिटी एनसीबी की रडार पर हैं। इनके नाम रिया ने एनसीबी की पूछताछ में बताए थे। इन सेलिब्रिटीज पर ड्रग्स लेने और प्रिक्योर करने का आरोप है। ये सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट नाइन लाइफ से रजनी की रिपोर्ट।